हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय एक दीर्घंजीवितीय अध्याय के श्लोक नंबर 67 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आगे जो पढ़ेंगे उसमें द्रव्य का वर्गीकरण इससे हम शुरू करेंगे। तो चरक आचार्य ने द्रव्य का वर्गीकरण करते समय उन्होंने उसके कुछ भेद बताए हैं, यानी द्रव्य का भी वर्गीकरण किया है, पर उनका एक उन्होंने एक बेसिस दिया है कि किसके आधारभूत ये वर्गीकरण करेंगे। तो उन्होंने प्रभाव और उत्पत्ति के आधार पे, ये दो आधार पे उन्होंने वर्गीकरण किया है द्रव्यों का। तो उसमें सबसे पहले जो है तो प्रभाव भेद से वर्गीकरण किया है। तो प्रभाव का मीनिंग हम पहले समझते हैं कि प्रभाव यानी क्या है। द्रव्य का एक प्रभाव होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि आमलकी। आमलकी ये ऐसा देखा जाए तो त्रिदोषघ्न है, पर आमलकी ये अम्ल गुणात्मक होने के कारण वो पित्त भी बढ़ा सकती है, कि आम्ल रस उसमें है तो वो पित्त भी बढ़ा सकती है, पर वैसा नहीं होता है, वो त्रिदोषघ्न है, ऐसा हमारे इसमें उसका उल्लेख आया है। तो ये जो पित्त न बढ़ने की क्रिया है, क्योंकि उसका वीर्य भी शीत है, तो ये उसका एक प्रभाव है, ऐसा एक बोल सकते हम। जैसे आगे में द्रव्यगुण में पढ़ेंगे कि जो तक्र है, तक्र भी ग्राही है, कषाय रसात्मक है, अम्ल रसात्मक है। तो इससे क्या होता है कि ये इसका वीर्य उष्ण है, तो वीर्य उष्ण होने के कारण ये पित्त इसको बढ़ाना चाहिए, पर ये ग्रहणी रोग में यूज होता है, क्योंकि इसका जो वीर्य है वो मधुर रसात्मक है। तो ये सब बैलेंस करता है वीर्य के विपाक के हिसाब से, सॉरी विपाक इसका मधुर रसात्मक है। तो इसका जो बैलेंसिंग सब जो होता है वो विपाक के ऊपर से होता है। तो ये तक्र जो है ये मधुर विपाक से काम करता है, और हम इसको ग्रहणी रोग पे यूज करते हैं। ग्रहणी ये जनरली पित्त का स्थान हम पकड़ सकते हैं, तो पित्त के स्थान में उष्ण चीज़ें, उष्ण वीर्यात्मक चीज़ें यूज करना ये गलत हो सकता है, पर जो कि इसका विपाक मधुर है, मधुर विपाक में उसका प्रभाव है, तो वो प्रभाव के हिसाब से वो द्रव्य काम करता है। तो इसलिए ये प्रभाव का मीनिंग यहाँ पे हमें पकड़ना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि प्रभाव भेद से कैसे क्या उन्होंने द्रव्य का वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने सबसे पहले तीन प्रभाव भेद से भी उन्होंने तीन डिविज़न बनाए हैं। तो वहाँ पर दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ वृत्त, मतम किंचितम त्रिविधम द्रव्यम उच्चत, ऐसा उन्होंने बताया। तो यहाँ पे दोष प्रशमन और धातु प्रदूषण और स्वस्थ वृत्त ऐसे तीन बताए हैं। तो इन्होंने अभी यहाँ पे देखा जाए तो दोष प्रशमन करते हैं और दोष प्रदूषण भी करते हैं, पर उन्होंने दोष शब्द ये न उच्चारते हुए धातु प्रदूषणम ऐसा उन्होंने कहा। तो जब धातु प्रदूषण कहते हैं तो टीका में जब पढ़ते हैं हम, तो उनका मीनिंग यही है कि धातु यानी दोष। सबसे पहले शरीर में जो द्रव्य सेवन करते हैं या कुछ भी है उससे दोष ही प्रकोप होते हैं, दोष प्रकोपित होते हैं, वो सप्त धातुओं को, रसादि धातुओं को, त्रिमलन को, इनको दूषित करते हैं, और उनके माध्यम से फिर दोष की उत्पत्ति होती है। क्योंकि वात और पित्त और कफ ये पंगु है, इनको मूवमेंट नहीं है। वात उनको सब शरीर में मूवमेंट दिलाता है, वात उनको सब, और ये जब दोष विकृत होते हैं जो द्रव्य के सेवन से, वो जहाँ पे शरीर में स्थान वायुगुण्य है वहाँ पे वो उनका पूरण करते हैं, और आगे में जाके दोष की विकारों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए ऐसा बोला है कि कुछ जो द्रव्य है वो दोष को प्रशमन करते हैं। जैसे देखा जाए तो वात प्रकोप में तेल यूज करते हैं, पित्त प्रकोप में घी का बताया है, और कफ प्रकोप में
मद का बताएं। वैसे ही दोष या धातु प्रदूषण यानी कुछ ऐसे द्रव्य है वो दोष को प्रदूषण करते हैं यानी प्रकोपित करते हैं। कुछ ऐसे द्रव्य है वो स्वस्थ वृत्त है, स्वस्थ वृत्त के लिए यूज कर सकते हैं यानी निरंतर सेवन, जैसे षष्टिशाली है, घी है, दूध है, इनका निरंतर सेवन हम कर सकते हैं। स्वस्थ वृत्त यानी जो रसायन अध्याय में जो बताया गया द्रव्य है, जो बताया गया अन्न पान है, जो आगे संहिता में चिकित्सा स्थान में जो बताया गया है रसायन अध्याय, वहाँ पे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो नित्य सेवनीय द्रव्य है वो स्वस्थ वृत्त ये कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से प्रभाव भेद से तीन कैटेगरियों में ये डिवीज़न है। तो अभी दूसरा जो टाइप है, वो जो दूसरा भेद है जो वर्गीकरण का, वो उत्पत्ति भेद से है। तो उत्पत्ति भेद से जब वर्गीकरण करते हैं तब उन्होंने बताया है कि तत पुनस्त्रिविधम प्रोक्तम जांगम औद्भिद पार्थिवम, ऐसा उन्होंने, यानी जांगम औद्भिद और पार्थिव ये तीनों कैटेगरी में उन्होंने डिवीज़न किया है। तो सबसे पहले हम जांगम ये वर्गीकरण का हिस्सा हम देखते हैं। तो जांगम यानी क्या होता है कि जो प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं और उनका जो बाय प्रोडक्ट है या उनसे जो द्रव्य हासिल होते हैं मिलते हैं वो द्रव्य यानी जांगम कैटेगरी में उन्होंने रखा है। तो जांगम द्रव्य 19 प्रकार के हैं अगर काउंट करते हैं तो, जिनका यूज यहाँ पे उन्होंने बताया है। जैसा है मधुनी यानी मद, शहद, गोरसा, गोरसा यानी यहाँ पे कंसीडर करना है कि गाय दूध, गाय का, गाय भेड़ बकरी इनका दूध, उनसे दही प्राप्त होगा। वो पित्त बोला है उन्होंने, तो पित्त के, पित्त का जो सेंस लगता है वो आगे जाके यहाँ पे भी यूज होता है, यानी गोरोचन यानी गाय के अंत में गाय के अंत में यानी गाय के इंटेस्टाइन में जो पित्त होता है उसका जब खड़ा बन जाता है, जो सॉलिड फॉर्म में आता है, उसको गोरोचन कहते हैं यानी गाय का जो पित्त है उसको गोरोचन कहते हैं। उसका गुणधर्म उष्ण है, अग्निमान्य में यूज करते हैं हम उसको, या ग्रहणी के रोग में उसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसा एक कोरिलेशन कर सकते कि पित्त दिया है उन्होंने, पित्त कैसे यूज़ कर सकते, तो इस वजह से वो यूज होगा। आगे जाके वसा उन्होंने कहा है, फिर मज्जा का यूज, मज्जाभस्थि जो बोलते हैं हम, जैसे अप्लास्टिक एनीमिया जो रहता है आजकल, तो उसमें एक कंसेप्ट आया है कि मज्जाभस्थि का यूज कर सकते हैं, तो उससे वो डिसीज का ट्रीटमेंट एक पॉसिबल हो सकता है। अश्रु यानी रक्त, जैसे रक्तभस्थि हमारे चिकित्सा में यूज हुई है, रक्तभस्थि का यूज करना है। आमिषम यानि मांस रस हम यूज करते हैं। वीट मूत्र, अभी वीट यानि मल, तो जो द्रव्य हम सेवनीय में कुछ नहीं यूज कर सकते पर उसका इस्तेमाल होता है, जैसे वीट में गाय का मल, उससे गौरिया बनती है और गौरियों का काम
अग्निहोत्र, अपना फर्नेस जलाने में, या घोड़े की लीद का भी यूज़ कोई द्रव्य की बनाने में भी रसास्त्र में यूज़ हुआ है। तो इस तरह के तरीके से मल का यूज होगा। मूत्र, आगे में जाके अष्टमूत्र का हम यूज़ देखने वाले हैं। तो जो 8 प्रकार के प्राणी हैं उनका मूत्र का स्वस्थ के वृत्त में या रोग निदान रोग के उपचार में क्या योगदान है वो हम देखने वाले हैं। तो मूत्र का भी यूज होगा। चर्म, चर्म यानी स्किन, स्किन का एक्सपोजर, जैसे देखते हैं कि हम बाघ की खाल और इससे वूलन और ये सब जो मटेरियल बनता है उसमें एक बोल सकते सेवनीय का एक हम नहीं बोल सकते कि आगे जाके अगर पता होगा तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रेत यानी वीर्य, रेत यानी वीर्य, वीर्य का सेवन, ऐसा देखा जाए तो हमें कुछ आइडिया नहीं हो सकता, पर इसका कंसेप्ट हम बोल सकते हैं कि बस्तांड बस्ती। मेल इनफर्टिलिटी में जब बकरे के बस्तांड है, बस्तांड यानी बकरे के अंडकोश को पका के उसका घृत बना के, या उसका फिर आप ये बना सकते हैं सिद्ध क्वाथ या ये, तो उसका बस्ती, वो बस्तांड बस्ती, घृत का बस्ती का यूज़ मेल इनफर्टिलिटी में, अजुस्पर्मिया में, स्पर्म काउंट बढ़ाने में, इस वजह से वो उत्तर बस्ती के माध्यम से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन वहाँ पे हमें करना है कि रेत का इस्तेमाल कैसे, यानी वीर्य का इस्तेमाल कैसे सेवन में, तो सेवन में नहीं तो उत्तर बस्ती में हम एक कर सकते हैं। अस्थि, अस्थि का सेवन, तो वो तो पता ही है आपको कि कैल्शियम के लिए अस्थि का सेवन हो रहा है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिगतवाद जो है उसको जो कोरिलेशन करते हैं हम संधिगतवाद में, जो डिजेनरेशन होता है, कार्टिलेज डिजेनरेशन होता है उसको ये करने के लिए, जो बकरे के खुर है, खुर यानी जो पैर, तो उसका जो नीचे का जो हिस्सा रहता है सोल, उसके जो खुर बोलते हैं उसको, तो वो खुर का सूप उसकी बस्ती दी जाती है। तो वो अस्थि धातु फॉर्मेशन के लिए वो होता है। ये सामान्य विशेष सिद्धांत से, सामान्य के हिसाब से मांस रस का सेवन, रेत का सेवन, अस्थि का सेवन, ये माध्यम से विविध कल्पनाओं के घृत बनाओ, मांस रस बनाओ, या इस वे से उसका सेवन करके चिकित्सा भी की जा सकती है, या फिर स्वस्थ वृत्त के लिए भी इसका एक प्रोडक्ट बना के या कुछ माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से उसका यूज कर सकते हैं। स्नायु, स्नायु का, स्नायु के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्नायु का कैसे क्या यूज होगा। पर श्रृंग, श्रृंग यानी पता ही है हिरण, या जो 12 सिंगा बोलते हैं वो, उसमें तो इनका जो श्रृंग है, उनके जो सिंग है, उनका इस्तेमाल श्वास व्याधि में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो श्रृंग भस्म अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका जो यूज है वो बैन है। तो इसके श्रृंग भस्म के जगह पे विषान भस्म करके मार्केट में अभी प्रोडक्ट है, कि आपको श्रृंग भस्म नहीं मिलता है तो विषान भस्म का यूज कर सकते हैं। पर श्रृंग का इस्तेमाल अगर आपको मिलता भी है कहीं पे इलीगली, तो उसका भी इस्तेमाल कुछ वैद्य करते हैं कि उसको चंदन की जैसा घिस के उसका सेवन कराते हैं। तो ये जो बाय प्रोडक्ट है एनिमल का, वो श्रृंग भी है उसका भी। नख
ये तो अस्थि हो गया, जो खुर मैंने बताया है वो यहाँ पे है, तो सेम कैटेगरी में आता है। अस्थि यानी ये कैल्शियम के लिए पकड़ के चल सकते हम कि कैल्शियम में उसका यूज़, खुर यानी बस्ती के लिए, और यानी कार्टिलेज डीजनरेशन के लिए वहाँ पे ये होगा। नख, नख यानी जैसा अभी मृगशृंग बोलते हैं तो हरी हिरन, उसको ध्यान में रखना है। पर जो कुक्कुट रहता है, एक कुक्कुट नखी करके वनस्पति भी है, पर कुक्कुट का नख यानी उसका जो नाखून है उनका भी सूक्ष्म भस्मीकरण करके यूज़ किया जाता है। केश, केशों, केश का यूज़ होता है, लोम का यूज़ होता है, गोरोचन के बारे में तो हमने बताया है। तो इसमें से केश और लोम और स्नायु, इसके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए देखना पड़ेगा कि मुझे और पढ़ना पड़ेगा आपको बताने के लिए कि इसका प्रैक्टिकल वे से क्या यूज़ होता है, तो हम आगे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में जो है जांगम बताने के बाद में उन्होंने पार्थिव द्रव्यों का उल्लेख किया है। तो पार्थिव द्रव्य यानी ये क्या है, तो जो जमीन में अंदर प्रेजेंट है, जो उनकी माइनिंग की जाती है, वो खोद के निकाले जाते हैं, तो वो द्रव्य यानी पार्थिव द्रव्य। तो पार्थिव, इसमें से हमें महाभूत का भी पता चलता है कि ये घन धातु, ये पृथ्वी महाभूत से मिलते हैं, तो इन पे जो संस्कार होंगे वो पृथ्वी महाभूत के संस्कार उनमें ज़्यादा होंगे। ये दृढ़ धातु, दृढ़ धातु है ही, तो उसमें सुवर्ण यानि गोल्ड, समला, इसका अर्थ ऐसा ले सकते हैं कि टीका में इसको शिलाजेतु भी बोला है, तो शिलाजेतु के चार प्रकार भी है कि सुवर्ण, रजत, कृष्ण, लोह, सुवर्ण, रजत, लोह और कृष्ण लोह, ऐसे उनके प्रकार भी पढ़ते हैं, तो टीका में उसको शिलाजेतु भी कंसीडर किया है, या फिर मंडूर भी एक कंसीडरेशन कोई आचार्य ने किया है। पंचलोह, पंचलोह यानि चांदी, ताम्र, नाग, वंग और लोह, इसको मिला के पंचलोह यहाँ पे कहा है। टीका में पढ़ोगे आप तो यहाँ पे त्रपु भी बोला है, तो त्रपु यानि पंचलोह में ही उन्होंने रजत और ताम्र और त्रपु बोला है, तो यानी वंग, तो हम इसको कंसिडर करते हुए जो पंचलोह है उसमें रजत यानी चांदी, ताम्र, नाग, वंग और एक है लोह, इन धातुओं का समावेश है। स सिकता, सिकता यानी वालू, वालू यानी वालू का में ग्रेफाइट हम पकड़ सकते हैं। सुधा यानी कैल्शियम युक्त जो भी पदार्थ है, चूना एक बोल सकते हैं कैल्शियम में, प्रवाड़ बोलो, शोक्तिक बोलो, शंख बोलो, कपरदीक, इनसे मिलने, ये जो पूरी कैटेगरी है ये सुधा वर्ग में शामिल होती है। मनशिला, मनशिला और यहाँ पे हड़ताल भी साथ में। मनयो यानी जो माणिक्य है, मोती, पुकराज, पन्ना, हीरा, ये जो मनियो के फॉर्म में है जो है उनका, ये पार्थिव द्रव्य है। लवण, पंचलवण, पांच तरह के पंचलवण, पंचलवण इसमें सौवर चल
सौवर्चल, सामुद्ग, विडलवन, काला नमक और सैंधव, ऐसे पांच प्रकार के लवण का इसमें अंतर्भाव है। गैरिक यानी गेरु और अंजन, भौम औषधम उद्दिष्ट। तो ये सभी जो है ये पार्थिव द्रव्य के अंडर कंसीडर किए जाते हैं। आगे में देखा जाए तो औद्भिद द्रव्य, अभी ये औद्भिद द्रव्य यानी क्या है कि औद्भिद यानी ये जमीन है, इसको फोड़ के बाहर आने वाले द्रव्य, इसको फोड़ के बाहर जो आते हैं, जमीन को फोड़ के बाहर जो आते हैं वो द्रव्यों को औद्भिद द्रव्य ये संज्ञा कहा गई है। तो उनमें औद्भिदम तू चतुर्विधम, औद्भिद ये चार प्रकार के हैं, उसमें वनस्पति तथा विरुद्ध, यहाँ पे विरुद्ध व ये वनस्पति, ये विरुद्ध, ये वनस्पत्य और ये औषध, ऐसे चार प्रकार के कैटेगरी में उद्भिद द्रव्य डिवाइड है। तो आगे में 72 नंबर के श्लोक में उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि फलैर वनस्पति, फलैर वनस्पति ऐसा उन्होंने बोला है। तो वनस्पति यानी जो वनस्पति विदाउट उसमें फ्लावर आने के आने पर भी, यानी विदाउट फ्लावर वो फल देती है, यानी फल की उत्पत्ति ये पुष्प की उत्पत्ति होने के बाद नहीं होती, यानी वनस्पति ये विदाउट फ्लावर फल देती है, ऐसी वनस्पतियों को वनस्पति कहा गया है। वानस्पत्य है पुष्पैर वानस्पत्य, ये वनस्पति की कैटेगरी में पहले पुष्प आते हैं, यानी ये कैटेगरी में वर्ड उदुम्बर, वर्ड उदुम्बर इन जैसे वृक्ष सम्मिलित होते हैं। वानस्पत्य में सभी जो भी है कि पहले पुष्प आते हैं और बाद में जैसा मोहरी, तूर, मूंग, जौ, ये सारी द्रव्य, आम, अमरूद, ये सब ये फल पुष्पैर वनस्पत्य इसमें आते हैं। और औषध, औषध यानी क्या है कि फल पाकांतत, ऐसा उन्होंने बोला है कि फल पाकांत औषध, यानी इसमें क्या होता है फलों की उत्पत्ति होने के बाद वो पक जाते हैं और फल पक जाने के बाद औषधि यानी जो प्लांट है वो सूख जाता है। तो उसमें से प्लांट फल प्रोड्यूस करता है, उसमें सारे गुणद्रव्य आ जाते हैं फल में और फिर प्लांट सूख जाता है और हमारे यूज़ के लिए फल मिल जाता है। तो हम फल एज ए औषधि द्रव्य यूज़ कर सकते हैं, तो उसको औषध होता है। फिर प्रतानय विरुद्ध, प्रतानयर विरुद्ध स्मृत, तो विरुद्ध किनको बोला है, जो लता की कैटेगरी है, जो यानी जिनकी वेल होती है, ब्रांचेस बढ़ते जाते हैं, जैसे दुर्वा भी हम कह सकते हैं, या जो भी वेल वाली जो वनस्पतियां है उनको विरुद्ध यहाँ पे कहा गया है। तो दुर्वा उसका एक एग्जाम्पल है कि वो एक को एक जुड़ के उसका जो है प्रोपोगेशन होते रहता है। तो इस तरह से औद्भिद द्रव्य के बारे में बताया है। तो ये आगे में उन्होंने औद्भिद द्रव्यों के प्रयोजन का उल्लेख किया है। तो औद्भिद द्रव्य के जो प्रयोग अंग है
यानी जो वनस्पति भी है, वानस्पति भी है, औषध है, विरुद्ध है, इनका प्रयोजन यानी हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो चिकित्सा शास्त्र, तो इनका प्रयोजन उसके लिए एक तो आहार या औषध, औषध ये वीर्यवान होती है तो भी उसका उसमें यूज होता है, और आहार ये भी जो औषधि द्रव्य है वो कुछ आहार सेवनीय भी है, जैसे मसाले है, कुछ दालें है, ये ऐसे मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं और ये आहार द्रव्य भी है। तो इनके जो प्रयोजांग है वो क्या यूज होते हैं वो देखेंगे कि औद्भिद द्रव्य के मूल यूज होता है, त्वक जैसे एरिंडम मूल पकड़ो, त्वक अर्जुन छाल बोलते हैं, सार सार यानी जो बीज का स्टेम रहता है उनको सार बोलते हैं, जैसे देवदार का सार बोल सकते हैं हम, निर्यास निर्यास यानी उनसे जो जो उनमें वाटर कॉलम रहता है या उनमें जो एक पदार्थ जो बनता है तो वो बाहर स्रवता है, जैसे डिंक जो बोल सकते हैं, बाबुल का डिंक जो है तो वो उसका एक प्रोडक्ट है, वो उसमें स्रवता है, तो ये एक निर्यास है, डिंक बोल सकते हैं, या फिर शिला जत्तु भी ये पत्थर से स्रवने वाला निर्यास है, पत्थर का निर्यास है ऐसा भी एक बोल सकते हैं। साल तो ये साल तो त्वक ये त्वक यानी इस ये पतली होती है, ये साल यानी थोड़ी ज़्यादा जाड़ी होती है। स्वरस वासा पुटपाक से स्वरस निकलता है या किसी पत्तों का स्वरस ऐसा स्वरस। पल्लव यानी पत्ते। क्षार अपामार्ग का क्षार यूज होता है। क्षीर स्नुहिक क्षीर दंतिक क्षीर। फल फल तो ये पता ही है कि बहुत सारे द्रव्य जो है फल है, उदुम्बर जामुन पुष्प गुलाब कमर भस्म अभी भस्म का अगर हम बोलते हैं तो भस्म को इस वजह से बोल सकते हैं कि हम मशी मशी फॉर्म यानी भस्म, ऐसा वनस्पति का भस्म तो नहीं मिलता है पर वह मशी फॉर्म में उसका भस्म बना सकते हैं, वो कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। तैलानी तीर तेल और कंटक शालमली कंटक जो हम मुखदूषिका पे यूज कर सकते हैं। पत्रानी यानी पत्र वासा पत्र बोलो अर्क पत्र बोलो, ये श्रृंग है, श्रृंग यानी छोटे काटे। कंद यानी ये मूल की तरह ही हम बोल सकते हैं, जैसे आर्द्रक ये कंदा है। कंदा भी है और राइजोम फॉर्म यानी ये रूट भी है ऐसा भी बोल सकते हैं। प्ररोह यानी अंकुर वटांकुर वर्ड के जो अंकुर होते हैं वो उसका यूज। ये सब फॉर्म में औद्भिद द्रव्यों के ये प्रयोज्यांग हमें बताए गए हैं। आगे
द्रव्यों का वर्गीकरण और आयुर्वेद यानी द्रव्यों का जो वर्गीकरण किया है वो आयुर्वेद के जो यूज है प्रॉपर उसका द्रव्य का यूज है शोधन के लिए या शमन के लिए उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण बताया गया है आगे। तो उसका वर्गीकरण करते हुए उन्होंने मूलिनी द्रव्य फलिनी द्रव्य जो स्नेह है महास्नेह है उनके बारे में बताया है लवण मूत्र का यूज और दूध ये ऐसे जो जो हमने द्रव्य का वर्गीकरण के पहले में जो ये देखे हैं मूल देखे हैं स्नेह देखे हैं इनका आगे में जाके औषधि उपयोग जैसे उनके गुणधर्म उनके बारे में बताया है। तो मूलिनी द्रव्य षोडशी कोना यानी 16 मूलिनी द्रव्य 16 फलिनी द्रव्य 20 ऐसा उन्होंने एक वर्गीकरण बताया है। महास्नेह चत्वारी यानी 4 पंचलवनानी 5 लवन अष्टमूत्रानी 8 मूत्र बताए है संख्यात्या अन्यष्टावे व पयंसानी यानि अष्ट ये जो मूत्र बताया है जिन प्राणियों के अष्टमूत्र बताए है उनके ही दूध अष्ट दुग्ध उनका ही दुग्ध का गुणधर्म होता है। शोधनार्याश्च षड वृक्ष पुनर्वसु निर्दिष्टा य येतान वेत्ति सयो कतुम विकारेषु स वेदवित। तो उन्होंने कहा है कि ये जो बातें उन्होंने षड वृक्ष जो बताइए शोधनार्थ जो षड वृक्ष बताया है वो पुनर्वसु आत्रेय ने यहाँ पे निर्देशन दिया है उनके यूज का संशोधन के लिए। तो ये जो वैद्य को पता रहता है वही वैद्य अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए योग्य वैद्य है ऐसा उन्होंने बताया है। यानी योग्य वैद्य का क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करना तो ये भी एक माध्यम है कि जिसको ये शोधन द्रव्य शोधन वृक्ष जो पता है उसको पता ही रहने चाहिए ऐसा उन्होंने कैटेगरी एक दी है एक क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे। तो हम आगे में अभी पढ़ेंगे कि हम अभी मूलिनी द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे 16 टाइप्स के मूलिनी द्रव्य बताए हैं उन्होंने। मूलिनी यानी जो द्रव्य का प्रयोजांग मूल है तो उनका यहाँ पे उपयोग किया है। तो यहाँ पे जो ग्रुप चरकाचार्य ने बताया है तो ये ग्रुप में से कुछ वनस्पति अभी लुप्त है करके हम बोल सकते हैं क्योंकि जो रेगुलर यूज में इनमें से बहुत सी वनस्पतियाँ अभी नहीं है मार्केट में भी कुछ अवेलेबल नहीं है। तो जो हम वनस्पतियाँ हैं हमें जो ज्ञात है उसके बारे में चर्चा करेंगे जैसे हस्तिदंती ये हस्तिदंती है हेमवती यानी इसको वचा कहा गया है ये जो बिंबी वचा जो है उसका वो गलती से आया है तो हेमवती यानी वचा श्यामा तिवृत्त ऐसा हम बोलते हैं तो श्यामा यानी काली काली त्रिवृत्त और ये सफ़ेद या लाल कलर के त्रिवृत्त इसमें अधोगुटा सप्तला यानी शिकेकाई श्वेतनामा यानी श्वेत अपराजिता प्रत्येक श्रेणी यहाँ पे जो बताया है प्रत्यक्ष गवाक्षी एक वनस्पति है ज्योतिषमती
माल कांगनी, माल कांगनी करके प्रोडक्ट आता है, ज्योतिषमती नस्य जो देते हैं, द्रवंती, शिरिनी, शनपुष्पी और बिंबी। तो इनमें से ये वनस्पतियों में से वो उन्होंने जो डिवाइड किया है 16 वनस्पतियाँ, 16 जो वनस्पति है उनमें से वमनार्थ 3 वनस्पतियाँ उन्होंने बताई है, शनपुष्पी, बिंबी और छर्दने हेमवती। तो ये वच इसको हम वचा कहते हैं, और शनपुष्पी। तो वमनार्थ श्रेष्ठ जो वनस्पतियां है वो थोड़ा कट कर देना इसको। तो यहाँ पे वमन अर्थ शनपुष्पी, बिंबी और हेमवती बोला है। तो कुछ संहिताओं में हेमवती को वचा कहा है और कुछ संहिताओं में बिंबी को वचा कहा है। तो वचा ये द्रव्य छर्दनार्थ यानी वमन अर्थ श्रेष्ठ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि आगे में जब अग्रेय संग्रह आएगा वहाँ पे पता रहेगा। पर वमन करने के लिए ये 3 जो द्रव्य है तो उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये शनपुष्पी यानी उन्होंने सनई करके कुछ वनस्पति बताई है। उसके बाद में 16 द्रव्यों में से जो 2 द्रव्य है शिरोविरचनार्थ, जिसका हम यूज कर सकते हैं कि हमें शिरोविरचन करना है, तो ये 2 द्रव्यों की याद आनी ही चाहिए, जैसा श्वेत, अपराजिता और ज्योतिषमती। तो इसमें से वचा का मैक्सिमम यूज होता है और इसमें से ज्योतिषमती का शिरोविरेचन नस्य के लिए यूज होता है। और बाकी जो 11 द्रव्य है वो सब विरेचन के लिए है, एकादशा व शिष्टा या प्रयोज्यास्ता विरेचन, यानी सबसे ज़्यादा इसमें जैसा शिरिनी है तो ये स्वर्ण शिरी, तो इसमें स्वर्ण शिरी, दंती और त्रिवृत्त इत्यादि, ये विरेचन की जो वनस्पतियां हैं, मूलिनी द्रव्य है, उनका समावेश इसमें होता है। और ये हमें एक वैद्य को पता रहना चाहिए कि इनका सबसे ज़्यादा, तो
यहाँ पे जो स्वर्णक्षरी है, जैसे शीरिनी यानी स्वर्णक्षरी यानी सोनामुखी जो बोलते हैं, जैसे जो प्रोडक्ट है अभी पेट सफा यानी कायम चूर्ण, इनमें सबसे ज़्यादा कंटेंट ये स्वर्णक्षरी का ही होता है। सोनामुखी ही ज़्यादा प्रमाण में वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो ये विरेचन का काम करती है। तो इस वजह से मोलिनी जो द्रव्य है उनका वर्गीकरण किया है, वमनार्थ तीन, विरेचनार्थ विरेचन यानी शिरो विरेचन नस्य नस्यार्थ दो वनस्पतियाँ, और विरेचनार्थ शेष वनस्पतियाँ यानी 11 वनस्पतियाँ, ऐसे उन्होंने विभाजन किया है। आगे हम देख रहे हैं कि फलिनी द्रव्यों का वर्गीकरण उन्होंने किया है, श्लोक नंबर 81-83। इसमें जो है द्रव्य, तो उन्होंने शंखिनी, विडंग, त्रपुषा, मदनफल, धामार्ग, इश्वाकु, जिमूतक, कृतवेधन, क्लितक, प्रक्रिया, उदक्रिया, अभया अभया, आरगवत, हस्तपर्णी, कंपीलक, प्रत्यक पुष्पा, कुटज, इसमें विडंग, मदनफल, मार्ग, तो ये सारी वनस्पतियों के जो द्रव्य है उनको फलिनी द्रव्य यानी इन सब वृक्ष के वनस्पतियों के फल यहाँ पे उपयोगी है, औषधि वनस्पति करके यूज प्रयोज्यांग उसका यूज होता है। तो यहाँ पे जो वर्गीकरण किया है कि ये जो फलिनी द्रव्य है ये वमन और आस्थापन बस्ती आस्थापन यानी बस्ती के लिए धामर्ग, इश्वाकु, जिमूतक, कृतवेदन, मदनफल, कुटज, त्रपुष और हस्तिपर्णी, इन वनस्पतियों का उपयोग होता है। तो ये वनस्पतियों के हर एक संहिता में अलग अलग उच्च यानी उनके जो कंटेंट है या एरिया वाइज उनके अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में उनके नाम है। तो आप जो संहिता प्रिफर कर रहे हैं आपके एरिया में, आपके लैंग्वेज जो भी है, मराठी, हिंदी, गुजराती या जो भी लैंग्वेज है जो प्रिफर कर रहे हैं, तो उनके रीजनल कंटेंट में आपको इनके जनरल नाम, कॉमन नाम दिए रहेंगे। तो आप ये द्रव्यों को समझने के लिए प्लीज़ वो संहिता का यूज़ कीजिए, और जैसे भी वो नाम आता है तो द्रव्य गुण की किताब में जाके उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, और उनका टेक्स्ट जो पिक्चर है कि ये ही द्रव्य है, धामार्ग यानी ये द्रव्य होता है, उनके पर्यायी नाम में खोजिए, वो आपको नाम मिल जाएगा। तो क्योंकि कुछ द्रव्य ये है कि ये लुप्त हो गया है, उनके बारे में नहीं पता है ना मुझे पता है, जो सीनियर वैद्य होंगे उनको कुछ ना कुछ पता होगा इसके बारे में। तो आप प्लीज संहिता का यूज़ कीजिए, और द्रव्य गुण की किताब का इसमें यूज़ करना पड़ेगा आपको, तो वो एक फोटोजेनिक मेमोरी आपकी बन जाएंगी। उसके बाद जो नस्य और वमन के लिए जो द्रव्य है वो प्रत्यक पुष्प, विरेचन के लिए जो बाकी द्रव्य 10 द्रव्य जो बचते हैं वो उन 10 द्रव्यों का विरेचन के लिए विरेचन में श्रेष्ठ है ऐसा, या विरेचन के लिए उपयोगी होते हैं ऐसा हम कह सकते हैं। कट कर देना थोड़ा।
यस, तो यहाँ पे ऐसे द्रव्य, फलिनी द्रव्य जो यूज होते हैं उसके बारे में बताया है, ये प्रत्येक पुष्पा यानी अपामार्ग इसका नाम है, और बाकी शेष जो द्रव्य है वो विरेचन के लिए, वो अर्गवद हो गया, अभया हो गया, और जो कुछ भी बाकी जो द्रव्य है, शंकिनी हो गया, त्रपुषा नहीं, क्लितक, ये कुछ जो द्रव्य है उनका विरेचन के लिए यूज होगा। आगे जो महास्नेह है, आगे चार प्रकार के जो महास्नेह है उनके बारे में बताया है। चार प्रकार के महास्नेह कौन से है? तो सर्पी, तैल, वसा और मज्जा। ये उत्तर उत्तर गुरु गुणधर्म के, ये जो उनका जो कर्म है, क्रम है, वो उत्तर उत्तर गुरु है। यानी सर्पी से गुरु तैल है, तैल से गुरु वसा है, और वसा से गुरु मज्जा है। यानी वात शमनार्थ सबसे श्रेष्ठ द्रव्य जो बोला जाएगा अगर गुणधर्म के हिसाब से, तो वो मज्जा होगा, क्योंकि ये गुरु गुणात्मक। तो इसका प्रयोग, महास्नेह का प्रयोग, ये महास्नेह द्रव्यों का प्रयोग पान, सर्पी पान, तैल पान, अभ्यंग, तैल अभ्यंग, तैल से अभ्यंग करते हैं, अंजन, घृत का अंजन करते हैं हम, या त्रिफड़ा घृत से अंजन करते हैं, बस्ती, तैल बस्ती, सर्पी यानी घृत बस्ती, मज्जा बस्ती भी, जैसे पहले उल्लेख किया है कि मज्जा बस्ती भी आजकल देते हैं, और नस्य के लिए तेल है, घृत है, ऐसे इन फॉर्म में ये स्नेहों का उपयोग किया जाता है, कर सकते हैं। और इनसे लाभ यानी इनकी जो उपयोगिता है वो स्नेहन, स्नेहना जीवना बल्या वर्ण उपचय वर्धना, स्नेहा होते च विहिता वात पित्त कफापह। यानी ये स्नेहन शरीर को स्नेहा प्रोवाइड करती है, उसका उसके नाम में ही है स्नेहा, यानी मृदु करना, आपका उसका सप्लाई करना, मृदुता लाना, स्नेहन करना शरीर को, वृक्ष के ट्रीटमेंट स्निग्ध उसके विरुद्ध, तब स्नेहन करना है। जीवन, ये स्नेहा जीवन भी, जैसे पत्ते सूख जाते हैं, या एक जो वनस्पति है वो झाड़ है वो मुरझा जाता है, उसको जब पानी मिलता है तो वो एकदम से उसको जीवन प्राप्त होता है। और उसी तरह हम यहाँ पे यूज कर सकते कि शरीर को तेल लगाने से, अभ्यंग करने से एक उसको जीवनदान मिलता है, और वो सूखी हुई डाली जैसे पुनरुज्जीवन उसका होता है, उसी तरह सूखे हुए शरीर को पुनरुज्जीवित करने का काम, स्नेह देने का काम ये स्नेह करता है। ऐसा उदाहरण सिद्धिस्थान में आपको एक मिलेगा, बस्ती के बारे में या अभ्यंग के बारे में मिलेगा। बल्या यानी स्नेहन अभ्यंग करने से बल की वृद्धि होगी। वर्ण उपचय, इससे जो मुख की कांति और प्रभा की वृद्धि होगी, मुख में मुख कांति में वर्धन होगा। और वर्ण उपचय यानी वर्ण में उपचय में, वर्ण की कांति में
बढ़ोतरी होंगी, स्नेह, और ये वात का शमन करेगा, पित्त का शमन करेगा, कफ का शमन करेगा। तो वात पित्त कफ का शमन यानी जो सर्पी है वो पित्त का शमन करेंगी, वात का शमन तेल करेगा, सर्पी भी करेंगी, पर तेल ये वात शमनार्थ श्रेष्ठ है। और कफ के लिए इनको अगर कफ गुणक द्रव्य से सिद्ध किया जाए तो ये कफ को शमन करेंगे। उसी तरह आगे जाके लवण, पंचलवनों का उन्होंने उनके बारे में बताया है। तो पंचलवन कौन से है, तो सवर्चल, संधव, बीड, औद्भिद और सामुद। ये पांच प्रकार के लवणों का उल्लेख यहाँ पे किया है। तो लवणों के जो गुण है वो स्निग्ध है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, दीपनानी यतमानी च, यानि स्निग्ध है, स्निग्ध गुणात्मक है, यानि ये जल महाभूत प्रधान है, उष्ण गुण के है, इसलिए वो तीक्ष्ण, उष्ण तीक्ष्ण से दीपन कार्य जो करते हैं, अग्निवृद्धि के कार्य करते हैं। इनका प्रयोग आलेपनार्थ, इनका आलेप करते हैं यानी लेपन करते हैं, लेपन कार्य कर सकते हैं। युज्यन्ते स्नेह स्वेद विधौ तथा, स्नेह स्वेद श्वास व्याधि में तीर तेल या सरसों तेल में या सरसों के तेल में संधव मिक्स करके उसका स्नेहन करना है और स्वेदन करना है, तब कफ का विलयन होता है, क्योंकि ये उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है। और स्वेदन के काम में भी आते हैं क्योंकि उष्ण और तीक्ष्ण गुण है, और स्निग्ध होने के कारण स्नेह भी करते हैं। आलेपनार्थ युज्यन्ते स्नेह स्वेद विधो तथा अधो भागो ऊर्ध्व भागेषु निरुहेषु अनुवासने, यानी अधो भाग में भी यूज कर सकते हैं इसको, ऊर्ध्व भाग में भी यूज कर सकते हैं। निरुह अनुवासन, अधो भाग के यूज जो करना है हमें वो निरो बस्ती में और अनुवासन बस्ती में संधव का मेजर रोल है, कि संधव के सिवा निरो बस्ती और अनुवासन बस्ती नहीं दी जा सकती, या उसका एक मेन कंटेंट ही है। जब निरो बस्ती में जब हम उसका सहयोग करते हैं तो वो सहयोग में ही संधव को सम्मिलित किया गया है। तो उसका संधव का प्रयोग ऊर्ध्व भाग से और अधो भाग से भी कर सकते हैं, अभ्यंग के लिए भी उसका स्वेदन कर सकते हैं यानी उपयोग कर सकते हैं। भोजनार्थ, रुचि बढ़ाने वाला है तो भोजनार्थ यूज होता है। शिरसच्च विरेचन यानी शिरोविरेचन, शिरोविरेचन में हम इसका यूज कर सकते हैं। वृक्ष होता है जो नासा में अति वृक्षता रहती है, तो ये स्निग्ध और उष्ण होने के कारण उसका यूज कर सकते हैं हम। शस्त्र कर्मणी वर्त्यर्थ अंजन उत्साधनेशु, शस्त्र कर्मणी यानी शस्त्र कर्म के जैसा इसको यूज भी कर सकते हैं। यवक्षार है, सर्जिक्षार है, ये जो क्षार है ये इनका यूज होता है अश्मरी भेदन में। अंजन इससे जो बनता है उत्साधन यानी शरीर पे लगाना उत्साधन। अजीर्ण आनाह
यो वाते गुल में शूले तथा उदरे। ये जो लवण है ये स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण और दीपन गुण के कारण वो अजीर्ण में सबसे लाभकारक है। आनाह उससे नाश पाव आनाह की ट्रीटमेंट में हम किसी लवण को भास्कर लवण चूर्ण बोलो हिंगवाष्टक चूर्ण बोलो इनका यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें कंटेंट जो है वो लवण है। संधव का यूज होता है। वातज गुल्म में उसका यूज होता है शूल के लिए क्यों उष्ण है तीक्ष्ण है दीपन है तथा उदर यानी उदर शूल में लवण का यूज किया गया है। उक्तानी लवणानी ये सारे इसके गुणधर्म है।